हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को 36 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज पेपर कटिंग एंड ड्राफ्टिंग बताऊंगी। सबसे पहले हम यहां से बैक पार्ट काट करना है। ब्लाउज का लंबाई आप आपका हाइट के अनुसार रख लीजिए। तो हम यहां से 15 इंच रखूंगी, 15 इंच। उसके बाद यहाँ से शोल्डर लेना है। शोल्डर हम तो हमें ये नॉर्मल नेक काट करना है, तो इसलिए हम यहाँ से 5.5 इंच रखूँगी। अगर आपको बूट नेक रखना है तो आप यहाँ से शोल्डर में थोड़ा अगर आपको बूट नेक काट करना है तो आप शोल्डर का मेजरमेंट अलग होगा, लेकिन बैक नेक डीप ज़्यादा रखकर काट करना है तो 5.5 इंच लेकर काट करना है। तो हम यहाँ बैक नेक डीप ज़्यादा लेना है, तो इसलिए हमें शोल्डर 5.5 इंच लिया है। उसके बाद यहाँ से हमें आर्मोल लेना है। आर्मोल हम 6.5 इंच पर रखूँगी। यहाँ से भी 5.5 इंच बराबर मिला लेना है। उसके बाद हमें नेक लेना है। नेक हम 2 इंच पर रखूंगे। नेक डीप हम 10.5 इंच पर रखूंगे। फिर यहाँ से भी 2 इंच। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट को बराबर मिला लेना है। उसके बाद हम यहाँ से 9 इंच लेना है। 9 इंच और सिलाई के लिए इस तरह हमें 1.5 इंच लेना है। उसके बाद देखिए इसमें 10.5 इंच है और हम यहाँ से हाफ इंच कम करना है, तो यहाँ से हम 10 इंच लेना है। तो हमें दोनों पॉइंट को बराबर मिला लेना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच पर रखूँगे। फिर हमें इस पॉइंट को मिलाना है। इसको हम हल्का सा नीचे की तरफ लेकर जाना है। इस तरीके से। उसके बाद देखिए यहाँ आपको कौन सा डिजाइन का नेक रखना है, आप अपने हिसाब से रख लीजिए। उसके बाद यहाँ से टैक्स लगाना है। ये टैक्स हम 4 इंच पर लगाऊंगे, लेकिन सिलाई आपको कितने इंच तक लेकर सिलाई करना है, देखिए 1 इंच तक लेकर सिलाई करना है। इस साइड हाफ इंच और इस साइड हाफ इंच। फिर उसको कितने इंच तक उठाना है अब अपने हिसाब से उठा लीजिए। यहाँ से हम 4 इंच तक उठाना है। इस तरीके से देखिए। उसके बाद हमें इसको काट कर लेना है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से 1 इंच इस तरह लेना है, ये फ्रंट पार्ट है इसलिए।
फिर हमें इस पॉइंट को सीधा मिला लेना है। इस तरह से उसके बाद देखिए इसको हमें बराबर मिला लेना है। तो हमें बैक पार्ट के हिसाब से अभी निशाना लगाना है। उसके बाद हमें इस पार्ट को उठा लेना है। इस तरीके से इसको भी सीधा लाइन मिला देना है। इस तरह से उसके बाद देखिए ये फ्रंट आर्मोर है। हम यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ लेना है। इस तरीके से तो इसके बाद देखिए हमें फ्रंट एग लेना है। फ्रंट एग हम 6.5 इंच पर रखूंगे और यहाँ से भी 2 इंच ही लेना है। फिर हमें इस पॉइंट को सीधा मिला लेना है। उसके बाद हम इसको राउंड नेक बना लेना है। इस तरीके से तो उसके बाद हमें यहाँ से टक्स लेना है। ये टक्स आपको कितने इंच तक रखना है आप अपने हिसाब से रख लीजिए। हम यहाँ टक्स 10 इंच पर लगाऊंगे। ये टक्स का लाइन है। तो इसके बाद देखिए हमें ऐसे एपेक्स पॉइंट लेना है। एपेक्स पॉइंट आपको किस तरह से लेना है, ये 36 साइज है। 36 को आप 10 से डिवाइड कर लीजिए। 10 से डिवाइड करने के बाद जो भी मिलता है वही रखना है। तो 36 को 10 से डिवाइड करने से 3.6 आता है। तो 3.6 लेना है। देखिए 3.6 कहाँ तक आता है, 3.6 इतना तक आता है, इतना तक आता है 3.6। और यहाँ से भी बराबर 3.6 लेना है। फिर हमें दोनों पॉइंट को बराबर मिला लेना है। इस तरह से उसके बाद देखिए यहाँ से हम कितने इंच तक लेकर सिलाई करना है। यहाँ से हम टोटल 3 इंच लेना है। इस साइड 1.5 और इस साइड 1.5, तो टोटल 3 इंच लेना है। उसके बाद यहाँ से और 1 इंच लेना है ऊपर की तरफ, और यहाँ से भी 1 इंच लेना है। फिर यहाँ से भी ठीक बराबर 3 इंच ही रखना है। फिर उसके बाद हमें इसको इस तरह से मिलाना है।
इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ से और एक पॉइंट लेना है, यह हम 5.5 इंच पर रखूँगी। फिर हमें इसको इस तरह से मिलाना है। इस तरह से। तो उसके बाद देखिए, यहाँ जब तक सिलाई होगा तब इसमें कपड़ा खिसाप हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस साइड से हमें और थोड़ा सा हमें बड़ा का लेना है। ये हम 2 इंच पर रखूँगे। और यहाँ भी देखिए, यहाँ मिनिमम आपको 1 इंच लेकर सिलाई करना है। इस साइड 1/2 इंच और इस साइड 1/2 इंच, इस तरह से मिलाकर सिलाई करना है। इस तरह से। तो इसलिए हमें यहाँ से भी और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फिर इसको इस तरह से मिलाना है। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट को बराबर मिला लेना है। इस तरह से बराबर मिलाने के बाद देखिए, यहाँ से और एक लाइन देना है। ये लाइन कहाँ से देना है देखिए, ये मिडल में हमें टैक्स का लाइन दिया है, यहाँ से हमें मिला कर लेना है। ठीक, हम यहाँ से मिला कर लेना है इस तरह से। और फिर यहाँ से भी ये फ्रंट नेक है, फ्रंट नेक हम 6 इंच लिया है, 6 लिया है फ्रंट नेक। उसके बाद ये बैक नेक, उसके बाद ये बैक साइड का आर्मोल का नाप है। तो हमें फ्रंट साइड में और 0.5 इंच इस तरह अंदर की तरफ दबाया है। तो उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ तक हमें टैक्स लिया है 10 इंच। टैक्स देने के बाद हमें यहाँ से एपेक्स पॉइंट निकालना है। एपेक्स पॉइंट को किस तरह से निकालना है, 36 को 10 से डिवाइड करना है। जो 36 को 10 से डिवाइड करने से 3.6 आता है। तो यहाँ से हमें 3.6 और यहाँ से भी 3.6 लिया है, लाइन को मिला दिया है। मिला देने के बाद देखिए, हमें यहाँ से टोटल 3 इंच लिया है, इस साइड 1.5 और इस साइड 1.5 लिया है। उसके बाद ऊपर की तरफ हमें और 1 इंच लिया है, तो यहाँ से भी 1 इंच ही लिया है। तो उसके बाद हमें ये दोनों को हमें बराबर लाइन मिला दिया है। मिला देने के बाद देखिए, हमें यहाँ से यहाँ तक और एक मेजरमेंट लिया है। यहाँ 5.5 इंच पर रखा है, 5.5 इंच तक रखा है। तो उसके बाद हमें इसको मिला दिया है। तो उसके बाद हमें क्या किया, यहाँ जब तक सिलाई होगा तब इसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा इस साइड से भी थोड़ा सा बड़ा कर लिया। तो ये हम 2 इंच पर लिया है और यहाँ से भी हमें 1 इंच लिया है। उसके बाद ये दोनों पॉइंट को हमें मिला लिया है। तो फिर चलिए, अभी हम इसको काट कर लेना है। हम यहाँ से काट करना है नेक से। उसके बाद हमें इसको काट कर लेना है।
इसको हमें तिरछा नहीं रखना है। और ये फ्रंट पार्ट कटिंग पूरा कंप्लीट है। ये बैक पार्ट है, तो देखिए पेपर कटिंग पूरा कंप्लीट है। अगर मैं वीडियो को पसंद आने से वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, और अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर से मुलाकात होगा नए वीडियो के साथ अगला वीडियो में।